तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नई स्लाइड लेते हैं और जो भी यहाँ टेक्स्ट बॉक्स है मैं उसको डिलीट करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट बहुत इजी है, खाली एक जो है हमने उसको बनाने की ज़रूरत है, बाकी जस्ट सिर्फ से कॉपी पेस्ट चलेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ड्राइंग टैब में आता हूँ। एक अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो एक तो होता है सिंपल रेक्टेंगल, और अगर आप थोड़ा आगे ऑप्शन में जाएं तो आपको दिखेगा ये वाला ऑप्शन, रेक्टेंगल टॉप कॉर्नर विद राउंडेड एजेस। सो हम ये रेक्टेंगल लेंगे, साइज ऑल इट्स सब आपके ऊपर है आप कौन सा साइज लेते हैं। इसको मैं क्या करूँगा, रोटेट करूँगा और बिल्कुल एज पे लाके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़े अगर ध्यान दें, अगर आप ऐसे छोटा करते हैं तो ये एक साइड से छोटा होता है। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके इसको ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों तरफ से छोटा हो रहा है। तो ये बहुत यूज़फुल रहता है अगर आपको किसी चीज़ को एक दोनों तरफ से छोटा करना है। तो मैं इसको ऑलमोस्ट स्लाइड के सेंटर तक ले आता हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, अगर ये डिपेंड करता है कि आपके ये नंबर्स कितने हैं। तो मैं आज आपको दो नंबर करके दिखाने वाला हूँ, मतलब एक और दो करके दिखाने वाला हूँ, ताकि ट्यूटोरियल की लेंथ जो है थोड़ी छोटी रह सके। तो ये हमारा पहला एक आ गया है। इसका मैं क्या करूँगा, शेप आउटलाइन को मैं कर दूंगा नो आउटलाइन, मैं कोई आउटलाइन नहीं चाहता इसके बाहर। और शेप फिल को मैं एक डिसेंट कलर, जैसे कि मान लीजिए ये ऑरेंज एक्सेंट डार्क 25, ये अभी के लिए, और ये ले लेते हैं ब्लू कलर, ब्लू लुक्स मोर प्रोफेशनल। तो अब अगला स्टेप क्या है कि अगर हम एक लेंगे ड्राइंग टूल में, आगे दोबारा आके एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, और मैं थोड़ा टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि हमें जो ये जो टेक्स्ट है ये थोड़ा बड़ा चाहिए। तो मैं दोबारा टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ। पावर पॉइंट में एक प्रॉब्लम है, अगर आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप कुछ नहीं लिखते तो वो टेक्स्ट बॉक्स डिलीट हो जाता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक, और जो मैं यहाँ फॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ फॉन्ट का नाम है लातो, और इसका साइज मैं डिसेंट बड़ा कर दूंगा, जैसे कि ऑलमोस्ट लाइक 100, और फॉन्ट को मैं कर दूंगा बोल्ड। तो बोल्ड करने से क्या रहता है, थोड़ा एम्फेसिस ज़्यादा रहता है फॉन्ट का। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपने इसको बिल्कुल इसके नज़दीक तक लेके आना है कि जस्ट ये इसको टच कर दो, पर आपने ध्यान देना है कि ये एक दूसरे से ओवरलैप करते रहने चाहिए। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा ओवरलैप यहाँ पर है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि इन दोनों को सेलेक्ट करना है और यूनियन करना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं इन दोनों को यूनियन कर दूंगा तो मुझे हर बारी फिर से ये सारे स्टेप दोबारा करने पड़ेंगे। टाइम सेव करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसका एक डुप्लीकेट स्लाइड ले लूँगा, और मैं क्या करूँगा जो थर्ड स्लाइड, जो मेरा अभी थर्ड नंबर का स्लाइड है, मैं इसमें इन दोनों को यूनियन कर दूंगा। तो यूनियन करने के लिए, यूनियन मतलब हम दोनों को एक शेप बना देंगे। तो ये टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट किया बाय प्रेसिंग शिफ्ट, सो आई डू इट अगेन, मैं दोबारा करता हूँ, मैं दोबारा करता हूँ, एक को सेलेक्ट किया और शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, और अब बॉक्स पे कहीं भी क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं ये दोनों सेलेक्ट हो गए हैं। इसके बाद मैं जाऊँगा फॉर्मेट में और मर्ज शेप्स के अंदर यूनियन चूज कर लूँगा। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों मर्ज हो गए हैं, आप कभी भी मूव करेंगे इन दोनों को, ये दोनों अब एक शेप बन गए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसके अंदर शेप फिल करेंगे। तो मैं फिर से वही कलर ले रहा हूँ, ये नंबर ये आ गया है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अब इसके ऊपर हमने सेकंड प्लेस करना है। तो दोस्तों आप ध्यान अगर दें तो मैंने इसीलिए बोला था कि हम स्लाइड्स को सेव रखेंगे, तो नहीं तो क्या होता, मुझे फिर से एक बॉक्स लेना पड़ता और बॉक्स फिर से उसी साइज़ का लेना पड़ता। तो इसीलिए मैंने ये जो सेकंड नंबर फाइल है इसको ऐसा संभाल के रखा था ताकि एडिट करने में। तो आप हमेशा यहाँ से एक प्रैक्टिस बनाएं कि अगर आप इस तरीके की कोई भी एनिमेशन कर रहे हैं तो हमेशा एक जो आपका एडिटेबल है उसको हमेशा संभाल के रखें। तो अब मैं सेम वही करूँगा, एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा जूम करके कि एक ओवरलैपिंग है, बिल्कुल है ओवरलैपिंग। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ एडिट नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरी एक हेलो सैंपल, एक रिजर्व है मेरा। तो मैं कंट्रोल सी कॉपी करूँगा और कंट्रोल वी पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ लाने के बाद मैं जाऊँगा फॉर्मेट में, कहीं और क्लिक नहीं करना है। आप देख सकते हैं दोनों ऑलरेडी सेलेक्ट हैं। मैं जाऊँगा मर्ज में और दोनों को कर दूँगा यूनियन।
ध्यान से थोड़ा इनको प्लेस कर दें। अभी आपको दिखेगा नहीं क्योंकि कलर दोनों का सेम है। मैं क्या करूंगा, शेप फिल में जाके एक कलर इसको दूसरा दे दूंगा, जैसे कि ये ले लीजिए ऑरेंज, और मैं दूंगा ओके ब्लू, ब्लू ले लेते हैं, थोड़ा लाइट ब्लू है, थोड़ा ये लाइट ब्लू कलर ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसको बात बारी आती एनिमेट करने की, पर अब अभी भी आप अगर देखें तो इस पर वो पेपर कट वाला फील नहीं आ रहा है अभी भी, तो वो फील कैसे आएगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा इन बॉक्सेस को टीक करना पड़ेगा। तो अभी ये बड़ा फ्लैट डिज़ाइन है, तो इसके लिए हमें इसके बाद इसमें शेडो डालना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैं बॉक्स को सिलेक्ट किया, इफेक्ट में गया, शेडो में गया, और आप एक शेडो ले लीजिए। तो मैंने कि शेडो इफेक्ट लिया और वही सेम शेडो इफेक्ट मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो अगेन सेकंड नंबर वाला बॉक्स है उसको सिलेक्ट किया, शेप इफेक्ट में गया, शेडो में गया, और मैंने ये लेफ्ट वाला शेडो चूज कर लिया। नाउ अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा इस पिछले वाले के कंपेयर में थोड़ा उठा हुआ फील हो रहा है, तो लग रहा है कि मतलब ये उसके ऊपर है। तो ये आ गया थोड़ा जस्ट एक टिक के लिए। अभी भी इसमें थोड़ा और इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं कि अगर ये इसके ऊपर है तो यहाँ पर थोड़ा सा डार्क ग्रेडियंट आएगा। तो अभी हमने क्या किया है, अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ एक नंबर वाले बॉक्स के ऊपर और फॉर्मेट शेप में जाता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि जो मेरा फील है वो एक सॉलिड कलर है, मतलब एंटायरली ब्लू है। तो थोड़ा और अच्छा इफेक्ट देने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लूँगा ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल में मैं क्या करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर हो सकता है आपके पास ऐसे चार आए यहाँ पर, तो सबसे बेस्ट क्या है, आप इन दोनों को इस पर क्लिक करें, या तो उसको नीचे ड्रैग करके डिलीट कर दें, या तो इस पर क्लिक करें और ये जो डिलीट का साइन आप देख रहे हैं ये भी डिलीट कर सकते हैं। अब एक देख सकते हैं, एक लाइट है एक डार्कर है, हमें ये चीज़ को फॉलो करना है। मैं एक चीज़ को डार्क बनाऊँगा, तो मेरा कलर जो था आपको अगर याद हो तो हमने ये वाला कलर लिया था, और दूसरे को भी मैं सेम कलर दूंगा। मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, यहाँ पर एक दूसरे का कलर लिया, अब जो दूसरे का कलर लिया है उस पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा लाइट कलर कर देंगे। तो कैसे करना है आप दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इस पर क्लिक किया, कलर्स में गए और आपने चूज़ करना है मोर कलर्स, मोर कलर्स को चूज़ किया, इसको थोड़ा सा हम कर देंगे थोड़ा सा लाइट। यहाँ आप प्रीव्यू देख सकते हो उसका, तो एक डिसेंट कह लो कि इसमें वेरिएशन हो गया है और ये आ गया। अब हमने करना क्या है कि हमें यहाँ पर लाइट रखना है और यहाँ जैसे यहाँ पर यहाँ तक आता है हमें इसको डार्क करना है। तो हमें क्या चाहिए, डार्क को थोड़ा मूव करना है। अभी आपके प्रीव्यू के लिए मैं इसको थोड़ा ऊपर मूव कर देता हूँ। तो मुझे देखिए, आप यहाँ लाइट है यहाँ डार्क है, मुझे क्या करना है डार्क को इधर लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा, डार्क को टुवर्ड्स लाइट लेके आऊँगा, ये देखिए। अब मैं इसको वापस पीछे ले आता हूँ इसके। अब अगर आप फर्क देखें तो आपको पता लगेगा कि ये नॉर्मल सिंपल है और ये मैंने डार्क को आगे लिया। अब ऐसा फील आ रहा है कि ये है इसके नीचे, यहाँ पर थोड़ा डार्क फीलिंग आ रहा है। सेम कलर पैटर्न अगर आप चाहें इसमें नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप मैं तीन नंबर अगर आप यूज़ करते हैं और नंबर जैसे भी आपको जो भी कलर पैटर्न आपको यूज़ करना हो आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसको एनिमेट करना है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ से कंटेंट उठा लेता हूँ। कंट्रोल सी कॉपी किया मैंने कंटेंट और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब एनिमेट करने के लिए मुझे ये सारा कंटेंट जो एक नंबर का और ये सारा एक साथ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इन सबको सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल जी शॉर्टकट है ग्रुप का, इधर आप कंट्रोल जी का यूज़ कर सकते हैं ग्रुप करने के लिए, या राइट क्लिक करके ग्रुप पर क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके ऊपर आ गया है, तो अब क्या करेंगे, इस पर सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इसको कर दिया सेंड टू बैक। इसी तरीके से मैं सेकंड का कंटेंट उठाऊंगा, कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी, और इसी तरीके से इसको सेलेक्ट किया, इमेज को सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, सारा टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हमने कर दिया कंट्रोल जी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास दो हैं टोटल, कह सकते हैं दो ग्रुप्स हैं। तो मैं कंट्रोल जेड करके इनको दोबारा प्लेस करता हूँ, थोड़ा सा मैं इनको पीछे ले लेता हूँ क्योंकि हमारे पास और नंबर्स नहीं है अभी, इसलिए। अब इसके अंदर आता है मेन कि आपने एनिमेशन कैसे डालना है इसके अंदर। तो एनिमेशन डालने के लिए ऑब्वियस है, हम आएंगे एनिमेशन टैब के अंदर, और जो आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्लाई इन, तो हम करेंगे फ्लाई इन। आप देख सकते हैं ये डायरेक्शन गलत है अभी,
तो हमें चाहिए कि ये इधर से निकल के इधर आए। तो आप जाएंगे इफेक्ट ऑप्शन में, ध्यान रहे आपको ये सेलेक्ट रखना है, इफेक्ट ऑप्शन में आए और हमें चाहिए फ्रॉम राइट। सेम इफेक्ट मैं इस पर भी डाल दूंगा, फ्लाइंग इफेक्ट ऑप्शन फ्रॉम राइट। अब मैं इसका आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि कैसा फीलिंग आ रहा है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, दोनों को सिलेक्ट करूँगा और ऑन क्लिक की बजाय मैं कर दूंगा प्रीवियस, विद प्रीवियस। विद प्रीवियस का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप सेकेंड से थर्ड स्लाइड में आओगे ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, आपको क्लिक नहीं करना पड़ेगा स्टार्ट करने के लिए एनिमेशन को। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसको हाइड कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे अभी पर्पस की नहीं है, और इनफैक्ट जो हमने बनाई थी सबसे पहले वाली इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। तो क्या होगा, जैसे ही मैं प्रीव्यू करूँगा वो डायरेक्ट तीन नंबर स्लाइड पे आएगा और प्रीव्यू जो कि हमने सेट किया हुआ है कि विद प्रीवियस, विद प्रीवियस, तो क्या होगा ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए। अब अगर आप देखें थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा सा गैप और होना चाहिए दोनों में, ठीक है, तो मैंने गैप थोड़ा बढ़ा दिया है। अब अगर आप अभी भी एक बार थोड़ा सा देखें तो इसमें वो फील नहीं है, एक स्मूथनेस नहीं है। तो स्मूथनेस लाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर एनिमेशन पेन पे पहले नंबर पे क्लिक किया, पहले नंबर वाले ब्लॉक पे क्लिक किया, एनिमेशन पेन में आए और यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट किया, ग्रुप वन और ग्रुप टू, और टाइमिंग ऑप्शन में गए और इफेक्ट ऑप्शन में जा सकते हैं, दोनों जगह लेके आते हैं आपको। यहाँ पर हम करेंगे स्मूथ एंड, तो आप पूरा भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ एंड किया। तो अब मैं आपको दोबारा प्रीव्यू दिखाता हूँ, तो एक बार दोबारा प्रीव्यू देखिए, थोड़ा स्लो हो गया थोड़ा सा, अभी तो एनिमेशन थोड़ी सी फास्ट है। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि दोनों एक साथ आ रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, ग्रुप नंबर टू को थोड़ा सा डिले दे दूंगा, ज़्यादा हो गया डिले थोड़ा सा, तो मतलब जब ये हाफ डिस्टेंस कवर कर चुका होगा तो लगभग दो नंबर स्टार्ट होगा। तो अब देखिए, ये देखिए अब आपको इफेक्ट दिख रहा होगा कैसे वो स्मूथ एंड हो रहा है। तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में ये इतना था, ये एडिटेबल फाइल यहाँ पर है, आपको कोई भी नंबर चाहिए, तीन चाहिए, चार चाहिए, पाँच चाहिए, आप जो मर्जी नंबर यहाँ डाल के जितने मर्जी टेक्स्ट यहाँ बढ़ा सकते हैं और अपना कलर कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है, आप इस प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में, चाहे आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं या आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं या आपको अपने प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देनी है, आप बेफिक्र होके, कोई कॉपीराइट इशू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप इस प्रेजेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं।